हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 4, दैट इज़ थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन हग्स। लास्ट टाइम हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की है और शॉर्ट सी समरी फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू मैम के अंदर जो मेन करेक्टर्स डिस्कस किए गए मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, और जो सेकेंड करेक्टर था वो था रॉजर का, जो 14-15 ईयर्स ओल्ड बॉय दिखाया गया इसके अंदर। जॉब की नौयत हमने देखी मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स की, कि कैसे वो ब्यूटी सैलून पे काम करती है और किस किस तरह के कस्टमर्स उसके पास आते हैं। फिर किस तरह से रॉजर जो लड़का है वो उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। टाइम का भी जिक्र किया गया लेसन के अंदर कि ऑलमोस्ट 11 o'clock एट नाइट, एंड लड़का उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है, बैलेंस उसका लूज़ हो जाता है और वो नीचे गिरता है, और मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स उसको वहीं से पकड़ के ड्रैग करती हुई घर लेके आती है, और बजाय उसके कि उसके साथ बिहेव वो बड़ा अपसेट किस्म का कर दी, उसको वहाँ पे बिठाती है, उसका चेहरा साफ़ करवाती है, उसके बाद उसको खाना पेश कर दी है, और उसके बाद उसको कुछ एडवाइसेस करती है कि आइंदा ज़िंदगी के अंदर बेटा हमेशा अच्छा बिहेव करना, और लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को लेने के लिए कभी भी मनफी जो तरीक़ेकार है या जो मनफी रास्ता है वो इंतखाब उसका इंतखाब नहीं करना। लाइफ में हमेशा चीज़ों को हासिल करने के लिए मुस्बत रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है, और बिहेव योर सेल्फ ऑलवेज, हमेशा खुद के साथ भी अच्छा सलूक करो, खुद को अच्छा पेश करना सबके साथ। एडवाइसेस प्लस $10 उसको देती है कि वो लड़का जिस चीज़ के लिए वो छीनना चाह रहा था पर्स, मीन उसको ब्लू स्वीट शूज़ चाहिए थे जिसके लिए वो लेना चाह रहा था पर्स छीन के, $10 भी दिए उसको, एडवाइसेस भी की, और लड़के को क्या नाम है उसके बाद वो खुदाफिज़ कहती है, बाहर छोड़ने आती है। लड़के के जो आखिरी अल्फाज होते हैं उसके होंठ हिलते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता वो लड़का। ही वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं थे कुछ भी कहने के लिए। तो एक बुरे सलूक जो उसने लड़के ने पेश करने की कोशिश की मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन को, और किस तरह से बेहतरीन तरीके से उसने उस बच्चे को गाइड किया, हम सबके लिए मॉरल लेसन है कि हम भी बुराई का जवाब भी अगर हम अच्छाई से देना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पर मुआशरे के अंदर अच्छाई जो है वो परवान चढ़ने शुरू होती है। सो नाउ मूव ऑन टू द रीडिंग नोट्स ऑफ दिस लेसन। शॉर्ट सी समरी डिस्कस की है और अब रीडिंग नोट्स जो हमारे टेक्स्ट के अंदर शामिल हैं। फर्स्ट वर्ड यूज़ किया गया इसके अंदर स्लंग, एंड इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ स्लिंग, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, और लूब अराउंड यानी कि जो बेंट फॉर्म में कोई चीज़ झुकी होती है, लटकाना किसी चीज़ का। एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम रीडिंग नोट्स इज टेकिंग फुल ब्लास्ट, और जो फ्रेज उसमें टेक्स्ट में यूज़ की गई थी कि जैसा कि उस लड़के को उम्मीद थी कि वो छीनेगा एंड वो पूरी स्पीड के साथ पूरी रफ्तार के साथ भाग जाएगा, विद फुल ब्लास्ट पूरी रफ्तार के साथ, एंड रनिंग अवे एट फुल स्पीड यानी पूरी रफ्तार के साथ भाग जाना। रेटल्ड एंड इट्स मीनिंग इज मेक शॉर्ट शार्प आर साउंड्स क्विकली, यानी बारीक और तेज़ आवाज़ का पैदा होना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे रेटल्ड। एंड देन द वर्ड इज़ स्टू, एंड इट्स अ पोजीशन बेसिकली, एंड बेंड द बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी जिस्म का फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी आगे को और नीचे को झुकना जिस्म का, इस पोजीशन के लिए उसने वर्ड यूज़ किया स्टू, कि जब वो लड़का उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है उस लड़के को फिर वो पकड़ती है गिरेबान से शर्ट फ्रंट से, और उसके बाद उसको स्टूप परमिट कर दी, इतनी परमिशन देती है कि वो आगे को झुक सके और उसका पर्स उठा सके, तो वहाँ पर वो वर्ड यूज़ किया गया स्टूप। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेल, एंड इट्स मीनिंग इज़ वीक, वो लड़के की जब फिजिक बताई जाती है कि ही वॉज फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, कि वो कमज़ोर था और दुबला पतला था, तो वहाँ पर वो वर्ड यूज़ किया गया टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर उसकी फिजिक बताई जा रही है। देन द स्टोरी मूव टूवर्ड्स अ विलो वाइल्ड, विलो वाइल्ड ये इसके साथ ही वर्ड यूज़ किया गया था कि फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, एंड थिन दैट कैन ईजीली बी बेंट लाइक विलो वाइल्ड, ये असल में एक तरह की श्रब है, एक तरह की झाड़ी है जो बड़ी आसानी के साथ बेंट हो जाती है, यानी हवा भी चले तो हवा के चलने के साथ ही बेंट हो जाती है। तो उसी मुनासबत से जो है ये लड़के के लिए भी यूज़ किया गया कि एक तो फ्रेल था, कमज़ोर दिखाई देता था, दूसरा वो दुबला पतला दिखाई देता था बिल्कुल झाड़ी की तरह जो बेंट ईजीली बेंट हो सकती हो। एंड पॉप आउट नेक्स्ट, कम आउट क्विकली, तेज़ी से आना, तेज़ी से सामने आना, जैसे हम आम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उस पर भी हम लोग समटाइम कोई कोड एंटर करते हैं तो हमारे सामने पॉप आउट मैसेज है वो शो होता है। यहाँ पर लड़के का कोई पॉप आउट मैसेज की बात नहीं है बल्कि स्वेट पॉप आउट ऑन द बॉयज़ फेस, जब उसने उसको पकड़ के उसको जर्क किया, झटका दिया था मिसिज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन ने, तो उसके चेहरे पर
पसीना जो था वो जाहिर होना शुरू हो गया था, यानी कि आया हो गया, सामने आ गया था। वर्ड यूज़ किया गया स्वेट पॉप आउट ऑन द बॉयज फेस, उसके चेहरे पर पसीना जो था वो पॉप आउट हुआ, यानी कम आउट क्विकली, तेज़ी से सामने आया। देन स्वीट, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट लेदर मेड फ्रॉम द स्किन गोट, यानी कि जो खाल से तैयार किए जाने वाला जो नरम चमड़ा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्वीट। शूज़ भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो लेदर है वो यूज़ किया जाता है। तो स्टेटमेंट के अंदर 2-3-4 दफ़ा इसका वर्ड, ये वर्ड यूज़ किया गया कि ही वॉन्टेड टू परचेज सम ब्लू स्वीट शूज़, कि वो नीले स्वीट जूते लेना चाहता है, यानी कि नीले नरम चमड़े के जो जूते हैं वो लेना चाहता था। देन फ्रंट, इट्स अ बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रा द आईब्रो टू शो पजलमेंट, यानी फेशियल एक्सप्रेशन है कि जब हम पजलमेंट शो कर रहे होते हैं, नर्वसनेस शो कर रहे होते हैं, ड्रा द आईब्रो, ये आईब्रो जो हमारे होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे देने की कोशिश की है। एंड एम्बेरस, परेशान होना, मेक टू फील अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करना। एंड लास्ट वर्ड हेयर इज लैचिंग ऑन टू, क्लिंग टू आर गेटिंग पोजिशन ऑफ, यानी किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को ग्रिफ्ट में लेना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है लैचिंग ऑन टू। ये फ्रेज़ के अंदर वर्ड यूज़ किया गया था कि नेक्स्ट टाइम डोंट लैच ऑन टू माई पर्स नॉर एनीबडी एल्स, कि अब अगली दफ़ा लैच ऑन टू, ना मेरा पर्स अपनी पोजिशन में लेने की कोशिश करनी है गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से, ना ही किसी और का छीनना, ग्रैब करना किसी चीज़ का। सो दीज वर द रीडिंग नोट्स फ्रॉम एक्सरसाइज। एंड सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज, एंड फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज इज चूज अ करेक्ट आंसर्स। अब राइट आंसर प्रिडिक्ट करने MCQs हैं, जैसे सिलेबस के अंदर भी मेंशन है कि हमारे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसके अंदर वो कंप्लीट पेपर जो होता है 20 मार्क्स का, उसमें सिनोनिम्स भी शामिल होते हैं और MCQs भी शामिल होते हैं। सिनोनिम्स के अंदर तो आपके पास वर्ड अंडरलाइन है और उसके आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं जो चारों मीनिंग्स होते हैं उसके, यानी जो मोस्ट सूटेबल मीनिंग होता है उस पर हमने टिक करना होता है। MCQs के अंदर स्टेटमेंट टेक्स्ट में से उठाई जाएगी और उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पर राइट पे हमने टिक करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज व्हाट वाज द विमेन कैरिंग, वो खातून जो थी वो क्या उठाया हुआ था, यानी जब वो वापस आ रही थी रात 11 बजे तो उसके पास कौन सी चीज़ थी जो वो कैरी कर रही थी जिसको छीनने की कोशिश की गई थी। अ रॉड, ऑप्शन बी इज़ अ बैग, ऑप्शन सी इज़ अ हैमर, एंड ऑप्शन डी इज़ अ पर्स, एंड द राइट ऑप्शन इज़ अ पर लार्ज पर्स, यानी बड़ा पर्स था उसके पास जिसको उस लड़के ने छीनने की कोशिश की थी। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर शी वॉज कमिंग, वो आ कहाँ से रही थी रात 11 बजे। होटल, ऑप्शन बी ब्यूटी शॉप, ऑप्शन सी ऑफिस, ऑप्शन डी इज कॉलेज, एंड द राइट ऑप्शन इज होटल ब्यूटी शॉप, यानी जहाँ पर वो काम करती थी ब्यूटी शॉप पर वहाँ से वो वापस आ रही थी। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू हर, उसके साथ क्या हुआ, यानी जब वो आ रही थी। क्वेश्चन वन हमने देखा क्या कैरी किया हुआ था, क्वेश्चन टू था वो कहाँ से आ रही थी, क्वेश्चन थ्री है उसी के बारे में कि उसके साथ हुआ क्या फिर रात के उस टाइम पे। अ बॉय मेड अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, लड़का आया उसने रिक्वेस्ट की हेल्प की, ऑप्शन बी। अ बॉय ट्राइड टू हेल्प हर, लड़के ने उसकी मदद करने की कोशिश की, ऑप्शन सी। अ बॉय बेग्ड $10, उसने $10 उससे मांगे, ऑप्शन डी इज अ बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, एंड द राइट ऑप्शन इज़ अ बॉय ट्राई टू स्नैच हर पर्स, उसका पर्स छीनने की कोशिश की गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय वाज इन हिज, लड़के ने क्या पहना हुआ था, टीन्स, ट्वेंटीज, थर्टीज और जीन्स, एंड द राइट आंसर इज क्या मलबूस है उसकी, इसकी पूरी कॉम्प्लेक्शन हमने डिस्कस की थी लेसन के अंदर। ही वॉज वेयरिंग हिज ब्लू जीन्स, नीली जीन्स पहनी हुई थी उसने, एंड द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज जीन्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द विमेन, खातून का नाम क्या था, एंड ऑप्शन ए इज़ लोयला, ऑप्शन बी इज़ बेट्स, ऑप्शन सी इज़ वाशिंगटन जॉन्स, एंड डी ऑप्शन इज़ लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, एंड द राइट ऑप्शन इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ लोयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द बॉय वाज ड्रैग्ड इनटू, लड़के को ड्रैग किया गया, उसे घसीटा गया, उसे खींचा गया, कहाँ पर लेके ले जाया गया, लिविंग रूम, ऑप्शन बी किचनेट फर्निश्ड रूम, ऑप्शन सी हॉल, ऑप्शन डी इज डाइनिंग रूम, एंड द राइट ऑप्शन इज किचनेट फर्निश्ड रूम, यानी वो कमरा जिसके साथ मुल्हिक था, यानी जिसके साथ छोटा सा किचन भी अटैच था उसके आता है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज किचनेट फर्निश्ड रूम। एंड द थर्ड लास्ट स्टेटमेंट इज व्हाट डिड शी सजेस्ट टू बॉय टू लुक प्रेजेंटेबल, जब उसको कमरे में ले आई उसके बाद उससे आके उसका नाम पूछा, फिर उसके बाद उसके फॉक्स के बारे में पूछा, और फिर उससे उसको क्या सजेस्ट किया कि वो प्रेजेंटेबल ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, टू वॉश हिज फेस, कि अपना चेहरा साफ करो,
ऑप्शन बी टू ड्रेस प्रॉपरली कि जाके अपनी ड्रेसिंग प्रॉपर करो, ऑप्शन सी टू पॉलिश द शूज़, ऑप्शन डी टू कॉम्ब हिज हेयर एंड द राइट ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन दैट इज टू कॉम्ब हिज हेयर। एंड उसने कहा था कि बेटा जाओ अपना मुंह हाथ भी धो सिंक पे और अपने बालों में कंघी करो ताकि तुम सो दैट यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम जरा खूबसूरत दिखाई दो, अच्छे दिखाई दो। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। एंड द नेक्स्ट एंड द सेकंड लास्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमसीक्यूज इज द विमेन कुक द फूड एंड आस्क द बॉय। खातून उसको वहीं कमरे में छोड़ के किचनट के अंदर चलेगी और उसके बाद वहाँ पर जाके उसने अपना वो खाना तैयार किया। उसके बाद खाना तैयार करने के बाद उसने लड़के से क्या कहा, टू सर्व, टू हेल्प, टू सेट द टेबल आर टू ईट। एंड द राइट ऑप्शन ही सेट शी सेट द बॉय टू ईट। उसने खाने के लिए उसको ऑफर किया था कि अब हम दोनों मिल के खाएंगे। एंड द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड द वेरी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय वॉन्ट टू से टू द वुमेन। एंड पे जब खाना खा लिया उसको एडवाइसिस की, उसको $10 भी दिए और उसके बाद उसको सी ऑफ करने के लिए बाहर मेन गेट पे पहुंचती है। एंड देन व्हाट डिड द बॉय वॉन्ट टू से टू द वुमेन, क्या कहना चाहता था, थैंक यू मैम, थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू आर समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। एंड ही वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, कुछ और भी कहना चाहता था वो मैम को, लेकिन अगर वो बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था आइडियाज़ को, बातें चल रही होंगी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका उसको, क्योंकि वो इस तरह का जो बिहेव था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस खातून से जिसके साथ वो ज़्यादती कर रहा था, यानी जिसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। सो हमारा ये जो क्वेश्चन था, हमारा एक्सरसाइज चूज अ करेक्ट आंसर कंप्लीट। एंड नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमारा इस एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमेन, वक्त कौन सा था जब उसने पर्स छीनने की कोशिश की। एंड टेक्स्ट के अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है फर्स्ट पेज के ऊपर ही, इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के ऑलमोस्ट 11 बजे का वक्त है जब वो खातून अकेली आ रही थी अपने ब्यूटी सैलून से वापस और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स, उसका था हुआ क्या, आया उसने पर्स को ऐसे छीनने की कोशिश की, स्नैच करने की कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ, ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, एंड हिज लेग्स फ्लू अप और उसकी टांग ही उपरट गई, इनफैक्ट उसका बैलेंस जो था वो लूज़ हो गया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पर्स छीनेगा फ़ौरन से भाग जाएगा, लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या कि पर्स जो था वो बड़ा हैवी था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बल्कि लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 हमारे जो टेक्स्ट का उसके अंदर उन्होंने बड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी कि देर आर ऑल थिंग्स एक्सेप्ट हैमर एंड नेल्स, तमाम चीज़ें मौजूद थी पर्स के अंदर सिवाय हैमर एंड नेल्स के, मीन के बड़ा हैवी था, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट शामिल थी। तो लड़की की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट उसका जो ही उसने पर्स छीना तो अपना वजन और वो पर्स का वजन कंबाइन हुए तो लड़के का बैलेंस लूज हुआ, वो नीचे गिरा और उसकी टांगें उपलट गई और उसको शर्ट फ्रंट से खातून ने पकड़ लिया। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन, जो ही पर्स छीन के भागा नीचे गिरा खातून का रिएक्शन क्या था, शी बेंड डाउन एंड पिक द बॉय फ्रॉम हिज शर्ट फ्रंट, वो झुकी और उसके बाद उसने क्या किया, लड़के को शर्ट फ्रंट से क्या किया, उसको पकड़ा एंड जर्क हिम और उसको झटके भी दिए थोड़े से, यानी उसको उससे क्वेश्चन की कि आपने ऐसा क्यों किया। And the question number 5 is, question number 4 is, what was the conduct of the people when they saw the incident? जो लोग उस वक्त गुजर रहे थे उनका कंडक्ट क्या था, उनका बिहेव क्या था, उन्होंने क्या किया वहाँ पे? Some of the passengers stood still there, कुछ जो मुसाफिर थे वो वहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने पूरा सिनेरियो, पूरा ये जो सीन था उसको देखा। Some stood still watching, कुछ खड़े रहे देखते रहे, एंड सम पास बाय, और कुछ जो लोग थे वहाँ से गुजर गए, यानी जैसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है ऑन द रोड, तो कुछ लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं वो देखते हैं और कुछ जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद पास ऑन गुजर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी सीन था कि कुछ जो ऑडियंस जो देख रहे थे सारे वाक्य को वो खड़े हुए देखते थे और कुछ जो थे वो मूव करके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइव, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, अब लड़के की फिजिक क्या था, जैसे कि हमने रीडिंग नोट्स के अंदर भी देखा, 5th and 6th वर्ड यूज़ किया गया टेक्स्ट के अंदर, कि ही वॉज 14 or 15 ईयर्स ओल्ड, नंबर 1 उसकी एज डिस्क्रिप्शन दी इसकी एज की, देन उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी कि ही वॉज फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, वो दुबला पतला और कमज़ोर दिखाई दे रहा था, एंड ही वॉज वीरिंग टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, और उसने टेनिस शूज़ और ब्लू जीन्स भी पहने थे। तो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, उसकी एज डिस्कस कर सकते हैं, उसकी फिजिक डिस्कस कर सकते हैं, और उसकी जो वीरिंग है कि क्या उसने किया हुआ था, उसकी जीन्स और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट हियर इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमेन गिव हिम अ फ्यू जर्क्स, खातून ने जब उसको पकड़ा शर्ट फ्रंट से झटके दिए तो उसकी हालत क्या थी,
वो बार बार एक्सक्यूजेज कर रहा था, ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेज खातून से कि आई एम सॉरी, आई डिडंट एम टू, मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था, और यानी कि मैं, मेरा कोई प्रॉपर प्लान नहीं था ऐसा करने का। खातून से वो एक्सक्यूजेज कर रहा था, सॉरी कर रहा था लेडी से बार बार कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको फॉरगिव कर दिया जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवॉइडेड द वुमन आस्क्ड द बॉय टू वॉश हिज फेस, उसको घसीट के घर ले आई। क्यों आके उस खातून ने पूछा, कहा बल्कि टू वॉश द फेस, कि अपना चेहरा साफ करो। उस खातून को उस पर तरस आ रहा था और वो सोच रही थी कि बजाय इसके कि वो भी उसके साथ गलत बिहेव करे जैसा उस लड़के ने किया था, वो पोलाइट बिहेव के जरिए उस लड़के को चेंज करना चाहती थी। इसलिए उसने आते ही उसका नाम पूछा और साथ ही उसको बोला कि यू गो टू दैट सिंक रॉजर एंड वॉश योर फेस सो दैट यू विल लुक प्रेजेंटेबल एंड ऑल्सो कॉम योर हेयर, अपने बालों में भी कंघी करो और अपना चेहरा भी साफ करो ताकि तुम ज़रा अच्छे दिखाई दो। Why didn't the boy run from the house of the women? वो क्यों भागा था उसके घर से? Didn't the boy? Sorry. वो उसके पास पूरा चांस था क्योंकि वो वॉश करने के बाद, कॉम करने के बाद वो वापस आता है, लड़का बैठता है, खातून उठ के चली जाती है किचन के अंदर, तो वो लड़का वहाँ बैठा हुआ था, बाहर वाला दरवाज़ा भी खुला है, अब उसके पास पूरा चांस है, अगर वो चाहे तो भाग सकता है, लेकिन क्यों नहीं भागा? क्योंकि वो सेकेंड टाइम ही डिडेंट वॉन्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो नहीं चाहता था कि खातून दोबारा उसके ऊपर एतमाद ना करे। उसने यानी कि फ़र्स्ट टाइम उसको, उसके साथ उसने गलत बिहेव किया था और खातून ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया क्योंकि उसको अपने घर लेके आई है, उसका मुंह साफ करवा रही है, उसके खाने के लिए तैयारी कर रही है। अब वो नहीं चाहता था कि उस खातून का ये जो उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है उसको कोई नुकसान पहुंचे। व्हाई डिडंट द वुमेन वॉश द बॉय व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिश, खातून उसको बिठा के कमरे के अंदर पर्स के पास दरवाज़ा खुला छोड़ के चले गए किचन के अंदर, उसने खाना बनाते हुए क्यों उस लड़के की परवाह नहीं की, क्यों नहीं उस लड़के को देखा? इनफैक्ट वो जो खातून जो थी, शी हैड रियलाइज्ड अ लिटिल बिट चेंज इन दैट बॉय, उसने देख लिया था कि लड़का चेंज हो गया है, यानी उसके पास चांस है भागने का वो नहीं भागा, उसके पास चांस है पर्स उठा के भागने का नहीं भागा, यानी वो चेंज फील कर रही थी, इस वजह से उसके ऊपर ट्रस्ट किया उसने। एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ वुमेन्स जॉब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, नेचर क्या थी, क्या जॉब करती थी? शिरन होटल ब्यूटी शॉप नियर बाई, वो करीबी इलाके के अंदर एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती थी, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि हाउ ऑल टाइप्स ऑफ वीमेन कम देयर, ब्लॉन्ड्स एंड रेड हेड्स एंड स्पेनिश, यानी किस तरह की तमाम तरह की खवातीन उसकी ब्यूटी सलून पे आती हैं। और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड नाउ वील मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच सेंटेंस, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज। शी कैरी द पर्स स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, इसमें हर स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड के अराउंड उन्होंने ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं और हमने यहाँ पर राइट फॉर्म जो है वो पुट करनी है। ऑलमोस्ट हमारे 1 to 10 जितने सेंटेंसेज यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, पास्ट टेंस के अंदर चूंकि ये लेसन लिखा गया तो पास्ट के अंदर ही हम लोग इसको करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो पास्ट की फॉर्म सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे तमाम सेंटेंसेज के अंदर। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1, शी कैरी द पर्स स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर एंड द राइट आंसर विल बी शी कैरीड द पर्स स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। And then number 2, the boy fall on his back on the sidewalk, वो गिरा, again the past indefinite tense, and the boy fell on his back on the sidewalk. Third statement is some people turned to look, and again the right answer is some people turned to look, कुछ लोग वहाँ पर रुके देखने के लिए। And statement number 4 is she dragged the boy inside down a hall, उस लड़के को घसीटती हुई कमरे में ले आई, again past indefinite tense, and again we will use the second form of verb, that is she dragged the boy inside down a hall. Question number 6, statement number 6 here is Mrs. Jones get up and went behind the screen, again answer is Mrs. Jones got up and went behind the screen. Next statement is the boy take care to sit on the far side of the room, and the boy took care to sit on the far side of the room. And third last statement is a hotel beauty shop stay open late, and again the right answer is a hotel beauty shop stayed open late, raat gaye tak khuli rehti thi dukaan, and she led him down the hall to the front door, and the right answer of this statement also is she led him down the hall to the front door. And the last statement from question number 5 is the boy dashed to say something, kuch aur kehna chahta tha, again past indefinite tense, and we'll use the second form here also, the boy wanted to say something, and this was the last statement of question number 5. और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज उसका सोल्यूशन कम्प्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे डिस्कस करने वाले रह गए थे,
ग्रामर पोर्शन में जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज 11 टू 15 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास एंड मॉडल सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड एंड फर्स्ट वर्ड हेयर इज अफेक्ट, असर करना। द कंप्यूटर हैव अफेक्टेड आवर लाइफ, कंप्यूटर ने हमारी जिंदगियों को अफेक्ट कर दिया, मुतासर कर दिए। इफेक्ट असर, योर एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हर, आपकी एडवाइस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड इज अफेक्शन, मतलब प्यार मोहब्बत। आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर यू एंड अफेक्टेशन, दिखावा बनावट। आई हेट अफेक्टेशन, मुझे अफेक्टेशन से बहुत नफरत है, दिखावे से। एंड एयर, हवा। लेट अस गो आउट फॉर सम फ्रेश एयर, आओ बाहर ताज़ा हवा के लिए मूव करते हैं। हियर, वारिस। आबिद का लेकर, हियर टू दिस प्रॉपर्टी, आबिद इस जायदाद का कानूनी वारिस है। एंड नंबर फोर, हेयर इज ऑलरेडी, बिल्कुल तैयार। दे वर ऑलरेडी टू गो टू स्टेशन, वो स्टेशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ऑलरेडी पहले से ही, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पहले से ही अपना काम मुकम्मल कर लिया। एंड द वेरी लास्ट पेयर ऑफ वर्ड ऑफ दिस सेशन इज एमिएबल, दिलकश। आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम एन एमिएबल फ्रेंड, वो हमेशा से ही मेरा एक दिलकश, दिलावेज यानी अच्छा दोस्त रहा है। आई एमिकेबल, पुरमन। वी शुड सेटल द डिस्प्यूट इन एन एमिकेबल वे, हमें डिस्प्यूट को, हमें झगड़े को बड़े पुरमन तरीके से हल करना है। सो दिस वॉज द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस सेशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर कम्प्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।